नाश्ता बन के तैयार हो गया। चना दाल का सब्जी बनाया है और पराठा बनाया, रोटी भी बनाया है। नाश्ता बन भी गया, नाश्ता कर भी लिए हैं। नाश्ता करने के बाद बैठे हैं, बेटी बर्तन धो रही है। काम करते करते ना पूरा थक जाते हैं। सुबह इतना मतलब एनर्जी मिलता काम करने के लिए, जो जैसे क्या नहीं क्या कर दें, लेकिन जैसे जैसे दिन होते जाता है ना, जैसे एनर्जी कमते जाता है। शाम तक तो बिल्कुल ही करने मन नहीं करता। शाम का टाइम लगता है जैसे डिनर कोई बना दे ऐसा लगता है, क्योंकि दिन भर इतना काम करते हैं ना, थक जाते हैं, इसीलिए करने मन नहीं करता है। नाश्ता कर लें, थोड़ा देर के लिए बैठे हैं, फिर लंच के लिए सब्जी बनाएंगे। सब्जी नहीं है, मार्केट भेजे हैं सब्जी लाने के लिए। सब्जी आएगा तब जाके सब्जी बनाएंगे, सब्जी तैयार करेंगे, काटेंगे, उसका बाद बनाएंगे। लंच हो गया, डॉगी लोग को भी लंच करा दिए। आज मौसम इतना अच्छा, धूप तो बहुत तेज है, लेकिन हवा इतना चल रहा ना जैसे पूरा तूफान आ गया, और बहुत अच्छा टाइप का हवा है, पूरा ठंडा ठंडा। बेटी को बोलने चलो बर्तन धो रही है बेटी, हम बोले चलो बर्तन धो के छत का ऊपर चलते हैं, घर में नहीं सोएंगे, छत में जो फल्डिंग खटिया थी उसी में लेटेंगे। बोला हाँ जाएंगे बोल के, पातुआ को बुला रहे नहीं सुना, खाना खा लिया। और जो लोग को मारता था ना, अब भी पातू को जो लोग मारता था पतलू को, अभी पतलू और लोग को मार रहा, बड़ा हो गया ना पतलू। देखिए उसका मौसी लोग है ना, ए तू कहाँ जा रही है, ए पतलू आओ आओ। देखिए एक तो पतलू मौसी है, और वो देखिए कटहल पेड़ का नीचे बैठा एक तो मौसी, दो नहीं वो मौसी नहीं है, वो दीदी है, वो दीदी है, ये मौसी है, दोनों ही मारता है था उसको, अभी वो लोग को मार देता है। आ, आ, पतलू पतलू आओ आ, आ, आ। बेटी बर्तन धो रही है, उसको बर्तन धोने के लिए रखे हैं। ऐसा बात नहीं है, काम सीखने से उसको आगे चल के फायदा होगा। जैसा 8th class में पढ़ती थी, रोटी बनाने सीखी, तो अभी रोटी बढ़िया से अपने बना लेती है, सीखी थी बोल के तब ना बनाती है। अभी बर्तन धोना सीख गया तो आगे चल के उसी को सुविधा मिलेगा। माँ को हेल्प करना मतलब वो अपने सीख जाता है, कोई भी लड़की, और कितना को लड़की करने मन नहीं, अभी नहीं मतलब जब शादी शुदा नहीं कुंवारी रहते हैं करने मन नहीं करता, तो शादी के बाद भी वो लोग को करने मन नहीं करता है। परसों से हम लोग का ये पावर तो पगला हो गया, आता है एक दो मिनट के लिए रुकता है फिर चल जाता है,
दिन में तो किसी तरह आदमी बिता लेगा, रात को बहुत परेशानी होते हैं। आज सुबह भी 4:30 बजे से कटा था, फिर आ गया 5:00 बजते आ गया था। कल तो पूरा 5:30 बजे से ही कटा था, आया शायद 10:30-11 बजे तक। कल भी वैसे, परसों भी वैसे, आज भी वैसे पगला गया है पावर। जैसा बीमारी पकड़ने से आदमी को दवा देता ना, वैसा बिजली विभाग को देना पड़ेगा पावर को दवाई। लंच करने के बाद ना सो गए थे, थोड़ा बहुत सो गए थे, बेटी भी सोई थी, लेकिन बेटी जाके छत में आ गई थी। हम फिर जागे ना, अपना कपड़ा वपड़ा जो धो के सुखाए थे वो सब उठाए, फिर थोड़ा घर झाड़ू करती हैं, फिर देखें। हाँ हम घर, तुम भी करी थी, वो बेटी करके झाड़ू आई थी, फिर हम आई। बहुत अच्छा किस्मत, आज घर का दो दो बार होते तो झाड़ू रहता है, लेकिन शाम का टाइम 2 बार हो गया। शाम का टाइम 1 बार होता था, 2 बार हो गया। फिर हम ये लाइट उट सब जला करके नीचे से ऊपर आ गए, देखे बेटी फोल्डिंग खटिया में सोई है, मतलब ऐसे ही जागी है। शाम का टाइम अच्छा लग रहा, लेकिन गूंदा ये रिमझिम टाइप का पानी जैसा होगा लग रहा, अंधेरा पूरा छा गया है। शाम का मौसम देखिए कैसे लग रहा, पूरा चारों तरफ अंधेरा, धुआं धुआं जैसा लग रहा। आप लोग को दिखाई दे रहा, देखिए दिखाई दे रहा होगा, हाँ चारों तरफ दिखाई दे रहा है, देखिए पूरा अंधेरा लग रहा, पूरा जैसा आदमी अंधेरा हो जाने से जैसे नहीं लगता वैसे ही टिप का लग रहा है। कहीं जाने को मन नहीं करता बाहर, जैसा कहीं बारिश में ना कहीं जाने मन नहीं करता। जहाँ भी जाइए छतरी लेके जाइए हाथ में, और छतरी लेकर के जाने से भी ना, अगले साल गए थे माँ बेटी दोनों छतरी लेके गए थे, लेकिन तभी भी जो पैर का हिस्सा है ना बारिश आने से पूरा भींग जाता है, तो इसीलिए बारिश में ना कहीं जाने मन नहीं करता। आज जाने को मन थोड़ा था मेरा, जो चार्जर है ना बिजली कड़का ना क्या, रात को पता नहीं बिजली कड़कने से अगले साल जल गया था, इस साल बिजली कड़कना नहीं क्या पता नहीं, क्योंकि रात को सो गए थे उसी टाइम ना ये चार्जर ये में था, ये लाइन में लगा हुआ था, इसीलिए उस टाइम शायद मेरा बिजली कड़कने से हुआ कि क्या हुआ, उसी टाइम मेरा चार्जर ये हो गया, खराब हो गया। जाने वाले थे लाने के लिए, फिर बोले क्या जाएंगे बारिश में ना पूरा भींग जाएंगे, इसीलिए जाने को मने। आज 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रहा, अंधेरा अभी शाम होने जा रहा, सब देखिए पूरा अंधेरा हो गया इधर से भी, मौसम पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। छत का ऊपर से नीचे आ गए हैं, क्योंकि बेटी बोली मम्मी पावर का भी प्रॉब्लम हो रहा, चलिए रोटी बना लेते हैं, हमने चलो फिर आएंगे तो बाद में आएंगे। देखिए आते ही पति सोचा हम कहीं चले गए थे, पूरा गोदी में बैठ गया, बैठो तो खिसक गया। बातू भी सोच रहा है मेरा गोदी में बैठे, हमने तुम वहीं पर प्यार करते हैं, तुमको भी वहीं पर तुम बैठो, क्योंकि पातलू को हम नहीं ना हलाते हैं, प्यार करते हैं तभी ना जिंदा है, माँ नहीं है, खाना उना देते हैं करते हैं, वो भी आके सोच रहा मेरा पास में बैठा, हमने थोड़ा तुम दूर में बैठा, उनको नहलाते नहीं कुछ नहीं, इसीलिए वो थोड़ा दूर में बैठा। देखिए आइए मेरा गोदी में बैठ गया तो खिसक गया गोदी से। डिनर बन के तैयार हो गया, सब्जी नहीं बनाया है, सुबह का सब्जी था, अभी सिर्फ रोटी बनाए हैं, डिनर तैयार हो गया है। डिनर करके बर्तन भी धो लिए हैं, डॉगी लोग को भी डिनर करा दिए हैं, बारिश हो रहा थोड़ा बहुत, हम बोले बेटी को चलो छत के ऊपर बैठते हैं, बेटी बोला बारिश जो हो रहा, हम बोले वो बारिश में कुछ नहीं हुआ था, अभी भी रात को ठंडा लगेगा, इसीलिए छत के ऊपर नहीं गए हैं, यही हम लोग माँ बेटी जहाँ सोते हैं वहीं बैठ के बात कर रहे हैं आप लोग से। आज का ब्लॉग एंड करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में फिर आप लोग से मिलेंगे। खुश रहिए, अच्छा से रहिए, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब करने से इतना दिक्कत क्यों है, कंजूसी क्यों करते हैं। गुड नाइट, बाय, एक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।